करवाना चाहता हूँ मैं। ये हमारे पार्टनर हैं, हमारे इस प्रोजेक्ट के प्रोड्यूसर हैं साथ में मेरे साथ। ये राइटर हैं, ये फिल्म में दोनों अदाकार हैं। ये इनका एक करेक्टर है फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, और इनका करेक्टर का नाम है समायरा। अब ये स्टोरी जो है सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर, साइबर क्राइम के ऊपर, कैसे आजकल ये जो फेसबुक इंस्टाग्राम, इसमें किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करके जो क्राइम हो रहे हैं। अब आज के दौर पर इन सब चीज़ों से हम हट भी नहीं सकते, यूज़ भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का सबसे अच्छा जरिया है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं वो हमको इसमें अटैक करते हैं। तो बस यही है कि अगर नहीं यूज़ तो करना छोड़ नहीं सकते आज के दौर पर, तो कम से कम अवेयर रहें। तो ये जो सब्जेक्ट है, जो स्टोरी है, ये उसी के ऊपर है कि वही एक मैसेज देने का जरिया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया में जो भी हो रहे हैं उसके थ्रू क्राइम, उसे कैसे अवेयर रहें। उस टॉपिक पर हमने ये चीज़ बनाई। सर, आपका किरदार क्या है? मैं इस फिल्म के का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हूँ। काफ़ी मेहनत की यार बनाने में, काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। मेरे ऑलरेडी दो चैनल चलते हैं यूट्यूब पे ही, एक श्री आरबी फिल्म्स के नाम से, एक अनस्टॉपेबल पिक्चर्स के नाम से। ये जो अभी सीरीज बनाई है ये हमारे नए चैनल अनस्टॉपेबल पिक्चर्स में ही आने वाली है। तो बाकी सब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, देखें, और जो भी फीडबैक हो जरूर दें, क्योंकि जितना आप फीडबैक देंगे, जो भी गलतियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, आपके फीडबैक से ही हम नेक्स्ट और भी जो प्रोजेक्ट है उसमें हम अपने हिसाब उस हिसाब से ही वर्क करेंगे। जी बस जैसे दीपक जी ने कहा कि ये साइबर के ऊपर जो क्राइम वगैरह होते हैं उसी के बारे में ये किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे पढ़ लिख कर विद्वान तो बनते हैं, बहुत समझदार भी बनते हैं, लेकिन समझदारी के पीछे कुछ नादानियाँ भी होती हैं उनकी, जो उनको समझ नहीं पाते। तो उन जैसे बच्चे क्या होता है कि कोई क्राइम करने वाले के हाथ में ईजिली फंस जाते हैं। तो उसको सावधान करने के लिए ये हमारी छोटी सी प्रयास है। हाँ, इस मूवी के थ्रू बस हम लोग वही है कि जितना इस यूथ को, स्पेशली क्योंकि ये जो क्राइम जिस क्राइम के ऊपर है, क्योंकि सोशल मतलब साइबर क्राइम में बहुत सारे क्राइम भी आते हैं, बैंकिंग फ्रॉड भी आते हैं, बहुत सारे क्राइम आते हैं, बट हमने जिस क्राइम के ऊपर हमने मतलब टॉपिक को लिया है, जिस टॉपिक पे ये, जिस क्राइम टॉपिक पे ये बनी है, वो अगर मैं आपको बताऊं कि इस स्टोरी का जो आइडिया भी मुझे आया, तो कई मेरे आसपास के दोस्त हैं और हमारी टीम में भी एक सदस्य हैं, उनके साथ ये चीज़ हुई थी, जो कि इस क्राइम में फंसना मतलब बहुत ईजी सी चीज़ यार, क्योंकि एक बोलते हैं ना, एक पिन पॉइंट को टच करने वाली चीज़ है, बट कैसे उससे अवेयर रहे, हमारा कोशिश वही। मेरे इसके पहले भी जो हमने सब्जेक्ट बनाया, कुछ भी बनाया, तो मेरा हमेशा हमारी स्टोरी के थ्रू मेरे को यही रहता है कि मैं कितना ऐसे मैसेज या ऐसी चीज़ें अवेयरनेस सोसाइटी में पहुँचाएँ अपने काम के थ्रू, क्योंकि हर एक हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम सबका फ़र्ज़ है अपने अपनी तरीके से सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाना, जो जिस प्रोफेशन में उस हिसाब से कर रहे हैं। ये स्टोरी आइडिया तो एक्चुअली दीपक का ही था, फिर बाद में हमने मिलकर इस पर काम किया, तो मैंने इसकी राइटिंग की। सिनेमा लोगों को एंटरटेन करती है, बट एंटरटेन करने के साथ साथ ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज में जो भी क्राइम हो रहा है उसको लेके वो लोगों को अवेयर करे। तो ऐसा ही कुछ टॉपिक हमने चूज़ किया काफ़ी डिस्कस करने के बाद में, जिससे हम लोगों को एंटरटेन तो कर सके अपने राइटिंग अपने प्रोजेक्ट्स के थ्रू, साथ में लोगों को अवेयर कर सके जो आजकल जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं। तो बस इसी विषय पर है हमारा ये सब्जेक्ट। आई होप आप लोग देखेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा, बाकी चीज़ें पूरी जब रिलीज हो जाएंगी तो समझ जाएंगे क्या है। इसमें मेरा समायरा का करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, और इस स्टोरी में कि जो आईडी हमारी आईडी फेक आईडी कर यूज़ करके उसका कुछ गलत फ़ायदा करके इसमें दिखा जा सकते हैं, और बाकी तो सब वेब सीरीज में ही देख सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो मैसेज हमने पहुँचाया है, जो आजकल ये फर्स्ट आए हैं बच्चे, तो इनको देखें, वो आगे करें कि मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जो फंसते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और बाकी आपको ट्रेलर में दिख ही गया होगा, और जब 22 तारीख को हमारी मूवी लॉन्च होगी तो आप इसे देखिएगा। और इस स्टोरी की खास बात यह है कि अक्सर जब हम कोई इस तरह की स्टोरी देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें जो सेकंड पार्ट होता है, सेकंड पार्टी होती है, अक्सर वो क्राइम कर रही होती है। बस इस स्टोरी में आप देखेंगे कि एक्चुअली क्राइम करने वाला बंदा कोई फोर्थ पर्सन है। तो ये इस स्टोरी की थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आप लोग शायद देखें तो आप लोग को नया लगेगा इसमें। दैट्स इट। सर, इसकी शूटिंग हमने वैसे तो पूरी मुंबई की लोकेशन है, जैसे कि नाला सुपारा, अंधेरी में अपना ये जुहू के कुछ एरियो में हुई है, जुहू बीच में हुई है, मड आइलैंड में है, कुछ लोकेशन वहाँ पर हुई हैं, मतलब डिफरेंट लोकेशन हैं, बट हाँ पूरी शूटिंग जो है वो पूरा मुंबई के अंदर ही हमने प्लान किया। सर, ये वेब सीरीज़ है, तो सॉन्ग तो क्योंकि टॉपिक इतना सीरियस है कि उसमें फिर वो फिल्मी मसाला ना, हमने कोशिश की कि ना डालें,
बट हाँ जो थीम सॉन्ग है वो तो है ही एक, बाकी इस बीच में 22 तारीख को सर, 22 तारीख को हमारी यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल पिक्चर्स पे है, तो आप लोग देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, क्योंकि एक अच्छा अवेयरनेस मैसेज है, सोशल टॉपिक है, जितना ज़्यादा ये चीज़ शेयर होगी उतना अवेयरनेस बढ़ेगी। बस एक छोटी सी कोशिश जिसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए, यूट्यूब पे अनस्टॉपेबल पिक्चर्स के नाम से हमारा चैनल है, तो उसमें जाके 22 तारीख को ये रिलीज हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने राइटिंग किया है, पब्लिक को देखने के बाद इसको क्या सीखना मिलेगा कि ये साइबर क्राइम से कितना बचा जाए? सीखने को ये मिलेगा कि आजकल आप सोशल मीडिया का जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ करें, बट अगर आप उसके आगे कोई भी चीज़ जाते हैं इंटरनली, अपने कुछ भी चीज़ करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप पूरी तरीके से उसको चेक कर लें और संतुष्ट हो जाएं कि आप जिसके साथ भी अगर कुछ वीडियो चैट कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा आपके हिसाब से वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, या जो चीज़ें सामने हो रही हैं वो रिलायबल हैं या नहीं है। तो आपको ये एक चीज़ समझ में आएगी ये देखने के बाद में कि एक्चुअली हम जो देख रहे होते हैं उसके पीछे भी कोई सीन होती है, और मे बी उसके पीछे के पीछे, तो यू हैव टू अवेयर अबाउट दैट। सर बींग ट्रैप्ड, अगर आप उसका हिंदी मतलब समझो तो ये कि फंसाया जा रहा है, तो बाकी चीज़ तो आपको सीरीज में समझ में आएगी। इसमें जो तीन पार्टीज है, एक तो जिसके साथ लाइक विक्टिम, एक है जो क्राइम एक्यूज कर रहा है, बट उसके बीच में मतलब लास्ट तक ये समझ में आता है कि फर्स्ट कोई और रहा है, क्योंकि जिसकी चीज़ें यूज़ की जा रही, तो वो तीनों तरीके से ये टाइटल जो है वो सूट करता है कि तीनों पार्टियों को, कि मुझे फंसाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, उसे फंसाया जा रहा है, तो वो वहाँ से ये टॉपिक निकला कि बींग ट्रैप्ड। सर मेरी जर्नी तो ऐसा है कि काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, शायद आप लोग के चैनल के थ्रू आया था, कि जब मैं स्टार्ट में आया था, मैं 2016-17 में मैं मुंबई आया था, मैंने आते तो सब अच्छा था, क्योंकि ठीक ठाक फैमिली से थे और काफ़ी मेहनत, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर था तो मेहनत करके आए थे, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग थे, तो आते ही एक फीचर फिल्म प्रोड्यूस की थी, बट कुछ कारणों के कारण, फाइनेंशियली इशू के कारण वो रिलीज़ नहीं हो पाई। तो उसके बाद तो आप लोग को जैसे पता है कि गलती किसी की भी हो, किसी की वजह से फिल्म बंद हो डूबे, बट ब्लेम तो सिर्फ मेन बंदे पर जाता है जिसका नाम सेंटर पर, काफ़ी कुछ झेला है, पूछ नहीं चूता मतलब वही, लेकिन मजा है उसी जर्नी का ही मजा है, क्योंकि उसने सिखाया, क्योंकि पहले रॉ थे, सिर्फ एक जुनून था बस, वो एक बोलते ना पैसा है तो कुछ भी कर देंगे, तो अकड़ भी खत्म हुई, तो बहुत जरूरी भी था वो चीज़, अच्छा पहले थोड़ा बुरा लगता था बट अभी अच्छा लगता है, मतलब सोच के कि शायद अगर वो नहीं होता तो आज जो इंसान सामने बैठा वो नहीं होता, तो काफ़ी कुछ सीखा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे चालू किया, शॉर्ट फिल्मों से चालू किया, और बस कोशिश कर रहे कि कुछ गलत ना बनाए, ऐसा नहीं कि आज के दौर पर जैसे बहुत लोग हैं जो फिल्म लिबर्टी का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा रहे हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि ना उठाएं, अच्छे से अच्छे टॉपिक बनाए और अपने काम के जरिए अपने समाज में भी थोड़ा सा इंपैक्ट डालें, तो धीरे धीरे बस बढ़ रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए, आगे भी है बहुत कुछ। मैं सर के साथ काफ़ी टाइम से इनके साथ काम किया हूँ, मतलब छोटे मोटे जैसे शॉर्ट फिल्म में भी जैसा करेक्टर इनको लगता था उस हिसाब से मुझे काम देते रहते थे, और इस बार जो है इन्होंने मुझे बड़ा करेक्टर दिया है, मेरे अंदर वो टैलेंट देखा उस हिसाब से। तो सर मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, और इस फिल्म में एक अच्छा करेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग करेक्टर है, और मैं इनकी टीम में रहता हूँ, और थोड़ा सा मज़ेदार करेक्टर है, आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, बाकी आप ट्रेलर तो देखा ही आपने तो। जी मेरा इस वेब सीरीज में रोहन का कैरेक्टर है, सबसे मेन कैरेक्टर मेरा है इसमें, जो मतलब फंसता है वो मैं ही फंसता हूँ इसमें, और मैं इस यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, और सर के साथ मेरा यह पहला काम है, बहुत अच्छा लगा सर के साथ काम करके, और आप वेब सीरीज़ देखिए और जितना हो सके ये ऑनलाइन फ्रॉड्स जो होते हैं आप उससे बचिए। जी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर बंद कर लिया भाई, स्विच ऑफ साइड कर लिया, बाकी जो आप देखा। हाय मेरा नाम दर्शिल वडोदरिया है, जैसे कि सब लोग अपना कैरेक्टर बता रहे थे, मेरा कैरेक्टर है नेगेटिव लीड का, अब उसने बताया कि वो फंस रहा है, फंसा था मैं ही हूँ, इन लोगों को बहुत परेशान किया है ढूंढने के लिए, बाकी तो कैसे ढूंढते हैं क्या है इन्वेस्टिगेशन वो सब आपको वेब सीरीज से पता चली जाएगा, तो प्लीज़ देखिए अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, हाय सर मेरा नाम सुधीर कुमार, सर मैं इसमें काशी एक शराबी रोल में कर रहा हूँ, भाई साइलेंट कर दो, तो जो क्राइम फ्रॉड करते हैं वो चाहे शराबी हो या कोई गरीब हो, सिर्फ छोटे नहीं वो जिसको अपना शिकार बनाना हो बना लेते हैं, तो सर आप लोग देखिएगा इसमें, सर के साथ मैंने फर्स्ट सामने देखिए